आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10 चाहे CBSE ICSE दोनों के कॉन्सेप्ट जो होते हैं मैथ के वो सेम होते हैं, ठीक है। तो चाहे CBSE हो चाहे ICSE हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला ये नाम है टॉपिक का, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेनली होता क्या है कि ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास, वो होती है ax² प्लस का bx और प्लस का c इज इक्वल टू 0। चाहे जैसे हाँ, इसके पहली बात तो दो रूट्स आते हैं, क्या होते हैं इसके, टू रूट्स आर ऑब्टेन व्हेन इट इज सॉल्विंग, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दो रूट्स आते हैं, ठीक। एक रूट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्फा, और दूसरे को क्या देते हैं, बीटा। अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स आर ऑब्टेन व्हेन वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो इस क्वाड्रेटिक, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तो क्लास 8th क्लास 9th में हमने थोड़ा बहुत सीखा है, उसी को मैं आगे आज कंटिन्यू करूंगा और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस में कराऊंगा, ठीक। ये मेरा आज का टारगेट है। फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम कैसे निकालते हैं, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे अगर क्वाड्रेटिक से कोई पहले पूछे क्या सर क्वाड्रेटिक से पहले भी कुछ होता है, तो लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें वन रूट्स हमें सॉल्व करते होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ अल्फा एंड बीटा टू रूट्स होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, कैसे, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरा आज का टॉपिक होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, हाउ टू सॉल्व, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 सॉल्विंग करने के इसके हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे फर्स्ट पर जो है मिड टर्म स्प्रेडिंग, क्या है, मिड टर्म स्प्रेडिंग। दूसरा हमारे पास तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनता है जब इसे डिराइव करेंगे हम क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, तो हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक। उसका तीसरा और लास्ट हम लोग कह सकते हैं कि इससे ये डेवलप्ड होगा, इससे जब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाऊंगा तो सबसे पहले ये जो सिखाऊंगा वही फार्मूला बन जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब कुछ बच्चे इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को पढ़ते हैं, सिद्धराचार फार्मूला। यूट्यूब बोर्ड की कुछ बुकों में सिद्धराचार फार्मूला का भी डिस्कशन है और CBSE में क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा जाता है बेसिकली, ठीक है। ये मिड टर्म स्प्रेडिंग है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये हो गए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, जिसे सॉल्व करने पर 2 रूट्स ऑब्टेन होते हैं। तो आज का मेनली हमारा टॉपिक जो होगा मिड टर्म स्प्रेडिंग में हम किसी चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, किसी क्वाड्रेटिक को कैसे सोचेंगे, आगे क्या क्या डेवलपमेंट होगा, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बातों से, ठीक। इसे हटाते हैं तो ठीक, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो ये बनता है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ठीक। आर एस अग्रवाल की बुक से मैं क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, मे भी आज आर एस अग्रवाल में पहली एक्सरसाइज जो है 4A, ठीक, उसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरा सबसे पहला जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, 4x² प्लस का 5x इज इक्वल टू 0। बच्चे कुछ से कीजिए, कैसे सॉल्व होगा सर, इसमें मिड टर्म स्प्रेडिंग नहीं लगाएंगे बेटा, इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, कॉमन, इसे कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि देखो आप चलो यहीं पर बात आए, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन लेना। किसी भी क्वाड्रेटिक को लिख लूँ या किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का मतलब उसे
दो पार्ट में, तीन पार्ट में स्प्लिट करने का सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या होता है, कॉमन लेना। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, कॉमन लेना। आप जब कॉमन ले लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कॉमन ले लेते हैं या कॉमन नहीं लेना पड़े, हो सकता है केवल डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़े। तो सर फार्मूले क्या होंगे, फार्मूले जो हम लोग नाइन्थ में सीख कर आते हैं, ठीक, फार्मूले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि फार्मूला लगा और डायरेक्ट रूट्स निकल जाते हैं, फैक्टराइज हो जाता है पॉलीनोमियल, ठीक। और इन दोनों को हटा के हाँ कॉमन लेना, सबसे पहला किसी भी हमने एक्सप्रेशन को देखा तो हमारे दिमाग को तुरंत हिट करना चाहिए कि क्यों ना कॉमन लें, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन में ये चीज़ जरूर रखी जाती है, पहले कॉमन रखा जाता है फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई होता है। अगर फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा तो सबसे लास्ट हम लोग पास है मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक। मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है तो फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, सिंपल सा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होना ही पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं। सर कॉमन लीजिए, आप लिया मैंने कॉमन, 4x + 5 = 0, x = 0 एंड 4x + 5 = 0, x = -5/4 और x = 0। बात समझ में आएगी, यहाँ तक समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं क्या है इसमें, ठीक। क्वेश्चन क्या आ गया, 2x² + x, क्या कहा गया, 2x² + x - 6 = 0, कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें मैं सिखाऊंगा मिड टर्म स्प्लिटिंग, जो पहले प्रीवियस हम लोग प्रैक्टिस इस पर करके आ चुके हैं, ठीक। 6 × 2 = 12, 6 × 2 = हमारे पास क्या होते हैं, 12 होते हैं। 12 का फैक्टर हमें ऐसे करना है जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 1 और मल्टीप्लाई करने पे 4 और 3, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0, ठीक। 2x यहाँ हम कॉमन लेंगे तो x + 2, -3 कॉमन लेंगे तो x + 2 = 0, ठीक। अब हमें क्या करना है इसमें बेटा, x + 2 को एक साथ हम लेंगे और 2x - 3 को एक साथ लेंगे, ठीक। अगर हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं तो x + 2 = 0 एंड 2x - 3 = 0, तो x = -2 एंड x = 3/2, ठीक। ये बात समझ में भी आ गई होगी, ये पहला सबसे पहला ये, दूसरा ये, अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक। आगे बढ़ जाए हम लोग, ठीक, नोटेड हो गया होगा। अब आते हैं और आगे, ठीक। ठीक, ये सब हो जाएगा। चलो क्वेश्चन हम लोग एक पिकअप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, आधे सेकंड बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है 11x = 3x², ठीक। ये क्वेश्चन है, मैंने कहा बेटा इससे पहले जो हम लोग सिंपली ax² + bx + c के फॉर्म में किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में लिख लो, उसके बाद उसे मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा दो, सिंपल बिल्कुल, एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट है। 3x² + 11x - 4 = 0, 4 × 3 = 12, और 12 और 1 इसका फैक्टर होगा, 3x² + 12x - x - 4, 3x हमने कॉमन लिया तो x + 4 - 1 कॉमन लिया तो x + 4, आंसर आया x + 4 और 3x - 1, ठीक। तो ये इस तरीके से होगा, प्लीज़ आप सभी क्वेश्चन लगाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो कमेंट बॉक्स में या कहीं कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ठीक। अब इसके बाद बेटा जानते हो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म था, सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। क्लास में भी इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये हमें आप दोनों लोगों को पता है, ठीक। इसके बाद रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, रूट वाले मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा या उसे किसी और, तो जब एग्जाम में आता तो ये लिख के नहीं आता कि आपको सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी कभी नहीं आता, ठीक। तो कंप्लीटिंग यही कहेंगे बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, ठीक। तो मेरा ये कहना है रूट वाले अभी छोड़ता हूँ, फिर इसी के आगे जो डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में बात करता हूँ। इसके आगे डेवलपमेंट ये हुआ था बेटा, लोग उन्होंने कहा था ये बताइए आप 16/x - 1/15/x + 1, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं,
हमने आपने कहा, तुमने कहा देखो देखिए सर, देखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, सॉल्व होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर एक डाउट हो सकता है, ठीक है। यहाँ बगल में लिखे होंगे x इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, दोनों नहीं पॉसिबल है, हम उसको देख लेंगे, उस पर कंसल्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ एक क्वेश्चन लिख लेना है और इसे सॉल्व करना है। हमने कहा बेटे इसका एलसीएम आप लोग ले सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे हाँ जी सर एलसीएम लेना तो आसान है। हमने कहा लो 16 माइनस एक्स इक्वल टू 15 बाई एक्स प्लस वन। कुछ बच्चे हो सकता है इस क्वेश्चन को ऐसे भी करें, एक्स को एक तरफ कॉन्स्टेंट को एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके से आप करिए, आपको क्वाड्रेटिक तक जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक बनेगा फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलो तो हमारे पास आ गया 16 माइनस एक्स इन वन ब्रैकेट एक्स प्लस वन इन अदर ब्रैकेट इक्वल टू 15x। हमने कहा 16x और 16 इंटू एक्स कितना होगा बेटा 16x, 16 का 1 में 16 माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स इक्वल टू 15x। हमने कहा 16 में से 1 जाए बेटा कितना आएगा 15x, वही गड़बड़ हो गया, 15 इंटू 15x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16, या इसी को बेटा देखो एक्स स्क्वायर बराबर, कई बच्चे फिर 16 लिखेंगे या कई बच्चे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। हम अभी कहते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक को फॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉमन, फिर उसका फार्मूला, फिर फार्मूले में मैंने डिस्कस किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये से फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड है फार्मूला अप्लाई हम लोग कर दिया जाए, तो क्या होगा एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है बेटा एक्स बराबर माइनस 4 एंड 4, दो चीजें दो रूट्स हमारे पास निकल के आ जाएंगी, ठीक है। ये भी क्लियर होगा, इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक। मतलब अब यहाँ से क्या एक और हमारे दिमाग में थॉट्स डेवलप हो गया कि अगर कोई जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक की तरह लिख के दें, हो सकता हो किसी भी फॉर्म में दें, हमें हमें ये सोचना पड़ेगा, हमारी ये थिंकिंग पावर होनी चाहिए, उसे हम क्वाड्रेटिक में पहले कन्वर्ट करें देन आफ्टर सॉल्विंग, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन बोर्ड पर हम चलते हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। अब आते हैं हम अभी इसी पे चलूंगा, इसी चीज पे कि क्वाड्रेटिक बनाओ, किसी तरीके से भी क्वाड्रेटिक आप बनाइए, किसी तरीके से सोचिए कि क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, ठीक। अब इसी तरीके से 52 ठीक। अब आता हूँ मैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन मेरा ये है, कहा गया मुझसे कि ठीक है 1/2x-3 प्लस 1/x-5 इक्वल टू 1 होल 1/9, ठीक। तो यहाँ पे बेटा लिखा होगा x इज नॉट इक्वल टू 3/2 एंड 5, ठीक। कोई बात नहीं, इसे डरने की बात नहीं, x दो चीजें नहीं होंगी, ये बात आप जान लीजिएगा, x इज नॉट इक्वल टू 3/2 एंड 5, ठीक। बाकी ये सब क्लियर है आप लोगों को, ठीक। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये हाँ, इसी को चलो सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए एलसीएम लेता हूँ, क्यों, क्योंकि एलसीएम भी लेना है हमारे पास, ठीक। एलसीएम लेते हम लोग 2x-3 एंड x-5 इज इक्वल टू 1 होल 1/9। सर इसको यहाँ भेजो बेटा x-5, इसको यहाँ भेजो 2x-3, 2x+3 3x, 5+3 8 अपॉन टू, इसका मल्टीप्लाई कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का x में 2x2, 2 का माइनस का 10x, माइनस का 10x, माइनस का 3x, 3 5 15 9 9 10/9, ठीक। फिर आ जाएगा 3x-8 आ रहा समझ में, आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। इस पर कुछ किया नहीं है मैंने अभी तक, इन दोनों दो दो डिनोमिनेटर थे उनका एलसीएम ले लिया, एक को इधर चिपका दिया, दूसरे को इधर चिपका दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसे हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर पहुँचे, ठीक है, 3x-8, और बाकी यहाँ आके कंटिन्यू कर रहे हैं, 2x² माइनस का 10 और 3 13x और प्लस का 15 इक्वल टू 10/9। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आते हैं, तो हम करेंगे 9 9 3 कितना होता है 27x माइनस का 9 8 72 इज इक्वल टू, ठीक। चलो
इसको यहाँ करते हैं 20x² और 130 माइनस 130x और प्लस का 150। चलो इस सबको उधर भेज दिया जाए तो 20x² और हमें लगता है नेगेटिव माइनस का 157x और हमें लगता है 27 और ये 72। 150 में हम 72 ऐड करें मतलब ठीक है 222। वेरी गुड, बहुत अच्छा 222 इज इक्वल टू 0। हमसे कहा गया कि आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हमने कहा इसके फैक्टर बेटा क्या होंगे, तो बताया गया कि फैक्टर जो होंगे 120 प्लस 37, 20x² माइनस का 120x माइनस का 37x प्लस का 222 बराबर 0। 20x हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, हाँ 20 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 और अगर यहाँ पे माइनस 37 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। 20x माइनस 37 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक। x इक्वल टू आ जाएगा 37/20, x इक्वल टू 6 इक्वल आंसर, ठीक। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो हमारे क्वेश्चन थे। हमने ये सिखाने की अब कोशिश कर रहे हैं, पहले मिड टर्म स्प्लिटिंग सिंपल क्वेश्चन, अब आगे मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ कि मैं जबरदस्ती उसको क्या किया, मॉडिफाई डीमॉडिफाई किया। आप उसे मॉडिफाई करेंगे क्वाड्रेटिक यहाँ बना बेटा, यहाँ के बाद मिड टर्म स्प्लिटिंग मैंने लगा। अगर इन सब स्टेप में किसी को प्रॉब्लम हो रही वो कमेंट करें, क्लास 9th में ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, वो कमेंट करें तो फिर मुझे यही सिर्फ सिखाना पड़ेगा कि मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं 10th की मिड टर्म स्प्लिटिंग सिखा रहा हूँ, इसमें ये सब चीज़ें बताना ऑब्वियसली बात नहीं होती है, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। आते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे तरफ हमारे पास आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो अब क्या आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा बेटा, ठीक, यहाँ तक हो गए सिंपल क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब मुझे फिर से कहा गया कि आप क्वेश्चन तो करेंगे, ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन देंगे, लेकिन अब और उलझाने लगे हमको। हमसे बेटा क्या कह रहे हैं, 57 कह रहे हैं x प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू और माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 4 होल 1/4। और वहाँ पे यहाँ पे हमेशा लिखेंगे, याद रखना ये बात है, x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 0। 2 और 0 नहीं हो सकता, इसके बारे में कुछ बच्चे जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान लें कि 2 यहाँ पे पुट करने पर 2 माइनस 2 हुए। कभी भी याद रखना कि फ्रैक्शन में 0 नहीं आना चाहिए, ये 0 नहीं आना चाहिए और ये भी 0, तो डिनोमिनेटर मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए लिख देते हैं x इज नॉट इक्वल टू 0 एट 2। फिलहाल हमारे कोर्स में अभी इसका कोई यूज नहीं है, आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। हर बच्चा कहेगा मुझसे एलसीएम लो, मैं कहूंगा ठीक है एलसीएम ले लूंगा, x माइनस टू हमने एलसीएम ले लिया, ठीक, कोई प्रॉब्लम एलसीएम ले लिया। यहाँ पे हर कोई कहेगा 4 4 16 17/4 आप लिखिए, यहाँ हर कोई कहेगा आप मल्टीप्लाई कराइए x into x plus 3 माइनस 1 minus x into x minus 2, ठीक, गुड। यहाँ बेटा x² प्लस का 3x और माइनस तो ब्रैकेट में है x और माइनस का x² और माइनस का 2 और प्लस का 2x, ठीक, यहाँ तक सब सही है। x² और माइनस का 2x इक्वल टू 17/4, ठीक है, यहाँ तक सबसे ओके है। हमने सिर्फ एलसीएम ले रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी होती हैं करने वालों के लिए, न करने वाले के लिए हर चीज टफ होती है, ठीक है। x² और ये, ठीक है, देखो नेगेटिव पॉजिटिव तो हमारे पास आ जाएगा 2x² और यहाँ होने वाला बेटा 2 1 3x और 3x कट जाएगा, ठीक, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में क्या है बेटा x² - 2x / 17/4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे करें ना करें और यहाँ करते हैं, ठीक, यहाँ तक ठीक है, ठीक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर 17/4, ठीक, चलो यहाँ पे आते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8x² और 4 का फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8, 17 का कराएंगे तो 17x² और 17 2 = 34x, ठीक,
यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 4 2 8 4 2 8 4 2 8, 17 का करेंगे 17 72 30, सबको उधर ले जाएं तो हम लोग होता है 9x² और -34x और -8 = 0। ठीक, फैक्टर करता हूँ, क्लास 9 से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। 9x जो लास्ट वाला था उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक, सब लोगों ने सीखा होगा कहीं ना कहीं। 2 से बेटा 36 और 2 के साथ देखो कॉम्बिनेशन मिल गया। अगर हम यहाँ लिख दें 9x² माइनस का 36x प्लस का 2x और -8 = 0, तो कोई इसमें हमें कोई कुछ कहेगा नहीं, कहेगा हाँ सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिड टर्म स्प्रेडिंग हम यहाँ से लगा दूंगा और फिलहाल हमारे दो आंसर निकल आएंगे। अच्छा चलो निकाल देते हैं, ठीक है। 9x कॉमन ले लिया x-4 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x-4 = 0। x-4 और 9x + 2 इज इक्वल टू 0, x = 4 और x = -2/9। ठीक, यहाँ तक तो हो गया हमारा। ठीक, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ू, ठीक, फिर से वही सिंप्लीफाई कराने की कोशिश करेंगे। हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सिंप्लीफाई करिए, वो क्या चाह रहे हैं कि आप सिंप्लीफाई करिए। चलो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन अब उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि आप सिंप्लीफाई करिए 3x-4/7 प्लस का 7/3x-4 = 5/9। तो कुछ बच्चे सिंप्लीफाई कर भी देंगे, सिंप्लीफाई करना ज़्यादा बेटर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आ सकता है क्योंकि ये उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन तब भी जिसको सिंप्लीफाई से करना है सिंप्लीफाई से करो, हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, हो सकता है वो लेंदी आपको लगे लेकिन आगे चल के ये आसान हो जाएगा। जब क्या होता है यहाँ क्या है, सिंप्लीफिकेशन आसान है तो यहाँ आसान हो सकता है, ठीक है, मेरा वाला टफ हो सकता है, लेकिन आगे क्या है सिंप्लीफिकेशन टफ होता है तो वहाँ मेरा भी मेथड ईजी होगा। ठीक, तो फिलहाल मैं यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। हमें से कहा गया सिंप्लीफाई तो सब बता रहा, बार बार अपने दिमाग में तो माइंड मेकअप करते चलो कि हमें क्वाड्रेटिक ऐसे ही सॉल्व करनी है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लेंगे, तो हम वाई ले लेते हैं, 3x लेट कर लेते हैं इस कंडीशन में, 3x-4/7 = y के। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो ये बेटा बनेगा y, लेकिन इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, दैट्स इट, 7/3x-4 = 1/y। दोनों पहले ऊपर पुट कर दो बेटा, y + 1/y = कितना, 5/2। एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा बेटा, y² + 1 y² + 1/y = 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2y² + 2 = 5y। यहाँ पे आ जाओ, 2y² - 5y और +2 = 0। समझ आ गया क्या हो जाएगा, 2y² - 5y + 2 = 0। अब देखना 2y², इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 2 = 4, यहाँ पे कर लेते हैं 4y - y और प्लस का 2 = 0। तो 2y कॉमन लेंगे तो y-2 और -1 कॉमन ले लेंगे तो y क्या आ जाएगा, y-2 = 0। ठीक है, तो हमारे पास कहाँ तक चले गए, यहाँ से 2y-1 और y-2 = 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड सब आ गया। ये हमें ब्लड करना होगा, ठीक, लेट कर लिया, y की दो वैल्यूज आ गई। अब इन दो वैल्यूज में से दो वैल्यू को ए 1-1 करके इसमें हमें पुट करना होगा, यही बच्चों को टफ लगता है। यहाँ तक तो बच्चे कर डालते हैं, वहाँ तक तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, यहाँ के बाद जब वैल्यू पुट करने के लिए कहता हूँ तब लोगों को बड़ा और लगता है कि ये तो टफ रहता फिर, ठीक है, इसमें इसी में पुट करना है, इसी में एक बार y बराबर क्या पुट करना है, 1/2 a/2, तो x के दो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे, तो 3x-4/7 = 1/2 एंड 3x-4/7 = 2। यहाँ करेंगे तो 6x-8 = 7,
तो 6x इक्वल टू 15, तो 3 2 जा 3 5 जा x इक्वल टू 5 बाय 2, x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 5 बाय 2। यहाँ पे करेंगे हम 7 टू द 14, 3x माइनस 4 इक्वल टू 14, 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 6x एंड 5 बाय 2 इन दो आंसर होंगे, 6 एंड 5 बाय 2 ये दो आंसर होंगे। ठीक, समझ आ गया। इसी पे एक टफ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, और फिर उसके बाद आधे घंटे की ये वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी आधे घंटे की होगी, इसके आगे जितने और भी टफ क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करूंगा। कहानी जो शुरुआत की है वहीं से चलेगी, मिड टर्म स्प्रेडिंग है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगर वीडियो बन रही है तो वो बनेगी इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद जो वीडियो बनेगी वो बनेगी क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर नेचर ऑफ रूट पे। ठीक है, चार वीडियो अगर बन गए इस पे तो हमारी ये क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा, एक्सेप्ट इसके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। एक हमारे पास बड़ा इंटरेस्टेड है, मुझसे कहा गया, हाँ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन इसी का सेकेंड है, एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन और टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू, बाकी बगल में लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन बाई टू एंड दिस। ठीक, गुड, इसको भी हम लोग सिंपल सी बात है कैसे करने वाले हैं, एल ई टी लेट करेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई के, इसे हम लोग लिखेंगे वाई और इसे लिखेंगे वन बाई वाई इक्वल टू टू के, मल्टीप्लाई करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वाई इज इक्वल टू टू। ठीक, सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ठीक है, प्रॉब्लम होगा कमेंट करना है, याद रखना इस बात को, वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू के, वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई इक्वल टू टू के। ठीक है, मल्टीप्लाई करा जाए हम लोग लगता है वाई स्क्वायर इक्वल टू वन इक्वल टू टू वाई। ठीक, अब यहाँ से कहाँ हम लोग आ जाएंगे, हम लोग कहेंगे y स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, किसी को थोड़ी सी हिचक ना हो तो हमें इसे लिख दो, ये क्या, ये बेटा y माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो y की तो y माइनस वन इक्वल टू जीरो, y माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू वन वन, दो वैल्यू y की आएंगी, वन रखो बेटा यहाँ पे, x माइनस वन इक्वल टू टू एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, तो x माइनस वन इक्वल टू कितना आएगा 2x प्लस 1, तो हमारे पास x और 1, x इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 माइनस 2, दो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगे, ये तो बहुत ही आसानी से लग गया। ठीक है, मे बी अगर मैंने जल्दबाजी में कोई मिस्टेक ना की हो तो, कि अगर मैंने इसको बेटा y माना तो इसको 1 बाई वाई माना, y स्क्वायर प्लस 1 किया मैंने, y 2y कर दिया, इधर लाया y स्क्वायर माइनस माइनस 2y प्लस 1, ये मैंने बहुत ही कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, वो मिडटर्म स्प्रेडिंग अप्लाई करें, जिसको आया वो आगे बढ़ा आगे बढ़े। ठीक है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे लिख दिया, ये गलती मेरी है, जीरो लिखो। ठीक, y माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा है, इसे दो बार स्प्लिट किया और फिलहाल लगा दिया। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक।